इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माय लास्ट डचेस पोएम की समरी। माय लास्ट डचेस इज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। माय लास्ट डचेस एक सुंदर कविता है जिसको लिखा रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। इट्स ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो कविता है ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है, कौन सी शैली में लिखी गई है? ड्रामेटिक मोनोलॉग में। ए ड्यूक इज ए स्पीकर इन द पोएम। स्पीकर होता है वक्ता, बोलने वाला। एक ड्यूक इस पोएम में स्पीकर है, बोलने वाला है पूरी कविता को। एंड द लिसनर इज ए मैसेंजर, और जो सुनने वाला है वो है एक मैसेंजर, एक संदेश देने वाला। जब ये पोएम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पूरी जो पोएम है उसको एक वक्ता बोलता है, और जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इसके शब्दों को, ये जो स्पीकर बोलने वाला ना, इसको कोई सुनने वाला भी है वहाँ पे। ही शोज़, और वो जो ड्यूक है वो दिखाता है हिम मैसेंजर को द पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ, अपनी मृत पत्नी की पिक्चर को, चित्र को, पेंटेड ऑन ए वॉल, जिसको पेंट किया गया है एक दीवार पे। द डचेस वॉज ए वुमैन ऑफ गुड नेचर। जो डचेस थी वो एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की वुमैन थी। शी वॉज सिंपल हार्टेड। उसका जो हृदय था वो साधारण था, सिंपल था। शी बिकेम हैप्पी वेरी सून, और वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाया करती थी। सून मीन्स होता है बहुत जल्दी। शी वॉज ईजीली इम्प्रेस्ड बाई सिंपल थिंग्स, और वो ईजीली होता है आसानी से, और इम्प्रेस होता है प्रभावित हो जाना, और वो बहुत ही आसानी से प्रभावित हो जाती थी सिंपल थिंग्स, साधारण सी चीज़ों से ही। शी थैंक्ड पीपल विद स्माइल। थैंक्ड मीन्स होता है धन्यवाद करना, और वो धन्यवाद करती थी लोगों का विद स्माइल, हंसकर, मुस्कुरा कर। बट द ड्यूक डिड नॉट लाइक हर दिस बिहेवियर। बिहेवियर होता है व्यवहार, पर जो ड्यूक था उसको डचेस का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा हर बिहेवियर कि डचेस का जो व्यवहार है वो वॉज नॉट अप टू हिज स्टैंडर्ड, वो उसके स्टैंडर्ड के लायक नहीं है, उसके स्टैंडर्ड तक का नहीं है। सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही गेव कमांड, उसने आदेश दिया। कमांड होता आदेश। देन तब ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, उसकी सारी मुस्कुराहट एकदम एक साथ, सॉरी उसकी सारी जो मुस्कुराहट थी वो एक साथ, टुगेदर होता एक साथ बंद हो गई, स्टॉप हो गई। द ड्यूक इज क्रूअल एंड ग्रीडी। जो ड्यूक है वो बहुत निर्दयी है, क्रूल होता निर्दयी, जिसमें दया की भावना ना हो। एंड ग्रीडी, और लालची भी है। ही वॉन्ट्स टू गेट गुड डावरी इवन इन हिज सेकेंड मैरिज। डावरी होता दहेज, वह चाहता है दहेज लेना, वो भी अच्छा सा अपनी दूसरी शादी में भी। ही प्रेजेज हिमसेल्फ ऑल द टाइम। प्रेज होता तारीफ करना, प्रशंसा करना। ऑल द टाइम हमेशा, हर समय, वह हर समय अपनी तारीफ करता रहता है। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज रॉयल फैमिली। उसको बहुत ज़्यादा घमंड है अपने शाही परिवार का। रॉयल फैमिली होते शाही परिवार। द पोएट हैज़ मेड ए गुड यूज़ ऑफ आयरनी इन रिवीलिंग द ड्यूक्स कैरेक्टर। जो कवि है उसने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है आयरनी का, ड्यूक के कैरेक्टर को रिवील करने में, ड्यूक के कैरेक्टर को दिखाने में। आयरनी होता है जैसे आपकी जो बुक है बीए थर्ड सेम की, उसके शुरू में ही दे रखा है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, कि जो पोइट्री है वो कितने फॉर्म की होती है, किस शैली में लिखी जाती है, कितने प्रकार होते हैं। उसी तरह से उसके बाद में दे रखा है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, जिस तरह से हिंदी में आपने अलंकार पढ़े हैं ना, वही इंग्लिश में होते फिगर ऑफ स्पीच। तो आयरनी उनमें से एक है। एज आफ्टर रीडिंग द पोएम, क्योंकि पोएम को पढ़ने के बाद वी कम टू नो दैट, हमें पता चलता है द ड्यूक इज ए बैड पर्सन, कि जो ड्यूक है वो बुरा व्यक्ति है। एंड द डचेस वॉज ए काइंड लेडी, और जो डचेस थी वो क्या थी, एक दयालु लेडी थी। अब जो आयरनी होती है उसकी यही विशेषता होती है कि जो लिखा जाता है या जो कहा जाता है और उसका मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इस पोएम में भी ऐसे ही हुआ है। आप सोचते होंगे कि इसमें आयरनी कैसे हुई। इस पोएम में आयरनी इसलिए है, ड्यूक अपनी प्रशंसा करता जाता है, खुद को अच्छा दिखाता जाता है, लेकिन जैसे ही हम पोएम के लास्ट में पहुंचते हैं तो हमारा कंक्लूज़न क्या होता है,
ड्यूक जैसा खुद को बताता है जितना अच्छा वो वैसा नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट है। अच्छी इसमें जो डचेस है वो है काइंड हार्टेड है, लेकिन जो ड्यूक है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है। तो इस पोएम में आयरनी भी है।